हेलो फ्रेंड्स, माय सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये टारकमान सीरीज का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे टार फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज के कलेक्शन को एक सिंगल फाइल में रिप कैसे करते हैं। टारकमान का एक कॉमन यूज सब डायरेक्टरी का किसी सब डायरेक्टरी का आर्चिव फाइल क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यदि आपको किसी सब डायरेक्टरी की आर्चिव फाइल क्रिएट करनी है या फिर टार फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए टार कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है टार, उसके बाद हाइफन सी वी एफ ऑप्शन, सी फॉर क्रिएट एन अर्चिव, वी फॉर वर्बोज। यदि आप चाहते हैं कि आप जो अर्चिव फाइल क्रिएट कर रहे हैं उस फाइल में कौन कौन सी फाइल ऐड हो रही है, उन फाइल्स के नेम को आप टर्मिनल स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए वी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। एफ, आप उस अर्चिव फाइल का फाइल के लिए किस टाइप का नेम आप यूज कर रहे हैं उसके लिए एफ ऑप्शन यूज होगा। हाइफन सी वी एफ ऑप्शन लिखने के बाद में आप उस टार फाइल या अर्चिव फाइल को क्या नेम असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है। नेम लिखने के बाद में आप जिस सब डायरेक्टरी का अर्चिव फाइल क्रिएट कर रहे हैं उस सब डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको लिखना है। जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया है /etc/mysolutions, तो जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगा तो /etc/mysolutions डायरेक्टरी के लिए एक अनकंप्रेस अर्चिव फाइल जिसका नाम mysolutions-11-12-2015.tar होगा आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे ही अर्चिव फाइल क्रिएट होता है तो इस अर्चिव फाइल में होगा क्या कि /etc/mysolutions के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे, जितनी फाइल होगी, जितनी डायरेक्टरीज होगी, वो सभी कंटेंट उस अर्चिव फाइल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हमें हो सकती है कि हमें उस सब डायरेक्टरी का सभी कंटेंट उस अर्चिव फाइल में ऐड ना करके कुछ सिलेक्टेड कंटेंट ही उस अर्चिव फाइल में ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जैसे क्रिएट अ टार अर्चिव फाइल, ठीक है, तो जैसे आप कोई अर्चिव क्रिएट कर रहे हैं या कोई टार फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपको फाइल वन और फाइल टू, इन दो फाइल को ही उस अर्चिव में ऐड करना है तो उसके लिए टार कमांड किस प्रकार लिखा जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है टार, उसके बाद हाइफन सीवीएफ ऑप्शन, और उसके बाद आप उस अर्चिव फाइल को जो भी नेम असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है, और उसके बाद वन बाय वन उन फाइल्स के नेम आपको लिखने हैं जिन फाइल्स को आप उस अर्चिव में ऐड करना चाहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया फाइल वन स्पेस फाइल टू। ठीक है, तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो एक अर्चिव फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम होगा माई फाइल -11-12-2015.tar, और उस फाइल में ये दो फाइल, फाइल वन और फाइल टू एड होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी सब डायरेक्टरी के सिलेक्टेड कंटेंट को भी अर्चिव फाइल में एड कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड कंटेंट का भी अर्चिव फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट अ टार अर्चिव फाइल ऑफ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी का आपको अर्चिव फाइल क्रिएट करना पड़े तो वो कैसे करते देख लीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना टार, उसके बाद हाइफन सी वी एफ ऑप्शन, और उसके बाद माई फाइल -11-12-2015.tar, यानी जो भी नेम आप असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है। उसके बाद आपको उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पूरा पाथ ना लिख करके केवल आपको डॉट लिखना है। ठीक है, तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की एक अर्चिव फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो जब भी आपको किसी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की अर्चिव फाइल क्रिएट करनी हो तो आपको पूरा पाथ ना लिख के केवल आपको डॉट लिखना है। तो कमांड इस प्रकार होगा, सबसे पहले टार, फिर हाइफन सीवी एफ ऑप्शन, फिर उस फाइल का, उस अर्चिव फाइल को जो भी नेम आप असाइन करना चाहते हैं, और उसके बाद डॉट आपको लिखना है। क्रिएट अ टार अर्चिव फाइल इन डिफरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो जैसे ये जो हमने एग्जांपल देखे थे उस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जो भी हम अर्चिव फाइल क्रिएट करेंगे वो अर्चिव फाइल आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वहां पर सेव होगी, क्योंकि ये जो नेम हम असाइन कर रहे हैं इस नेम में हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये जो टार फाइल क्रिएट होगी उसे सेव कहाँ करना है। ठीक है, तो यदि आप कोई पाथ असाइन मेंशन नहीं करते हैं नेम के साथ में
तो जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वहां पर अर्ची फाइल सेव होगी, ठीक है, या फिर क्रिएट होगी। तो यदि आपको जो अर्चिव फाइल है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेव ना करके किसी स्पेसिफिक लोकेशन या किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में सेव करनी हो, तो उसके लिए टार कमांड किस प्रकार लिखा जाएगा देख लीजिए। जैसे हम जो वर्जन वर्किंग डायरेक्टरी की अर्चिव फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसको मुझे /etc/myarchive डायरेक्टरी में सेव करना है या फिर वहां पर क्रिएट करना है, तो उसके लिए टार कमांड किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखना आपको टार, उसके बाद -cvf ऑप्शन, और उसके बाद /etc/myarchive और स्लैश करके उस फाइल का नेम आपको लिखना है, और उसके बाद डॉट। तो इस प्रकार आप किसी टार अर्चिव फाइल को किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में भी सेव कर सकते हैं, यानी केवल आपको उस सब डायरेक्टरी का पाथ उस फाइल के नेम के साथ में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद द फॉलोइंग कमांड ऑल आर इक्विवेलेंट, यानी आप टार कमांड को जैसे कोई फाइल आप टार अर्चिव क्रिएट कर रहे हैं किसी सब डायरेक्टरी की, तो आपको इन चार फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो टार --create फिर --file = जो नेम आप उस अर्चिव फाइल को एड असाइन करना चाहते हैं वो नेम, और उसके बाद उस सब डायरेक्टरी का पूरा पाथ लिखना है। दूसरा फॉर्मेट है टार -c -v -f, तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं, उसके बाद उस फाइल का नेम और उसके बाद उस सब डायरेक्टरी का पूरा पाथ, या फिर आप चाहे तो टार -cvf और फिर उस फाइल का नेम और उसके बाद उस सब डायरेक्टरी का पाथ, या फिर आप टार cvf उसके बाद फाइल का नेम और उस सब डायरेक्टरी का पाथ। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेमो फाइल क्रिएट कर एक डेमो डायरेक्टरी क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले उस डेमो डायरेक्टरी का कंटेंट चेक कर लेते हैं, ls -l, और डायरेक्टरी हमने क्रिएट की है /etc के अंदर /mysolutions जो हमने एग्जांपल में मेंशन की थी। तो ये उस डायरेक्टरी का कंटेंट है। अब इस डायरेक्टरी की मैं एक अर्चिव फाइल क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसके लिए टार कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा टार -cvf, उसके बाद मैं नेम असाइन कर रहा हूं उसको my solutions -19 -12 -2015 और उसके बाद उस डायरेक्टरी का आपको पूरा पाथ लिखना है। तो ये उस सब डायरेक्टरी की अर्चिव फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए हमने कोई इस पाथ मेंशन नहीं किया है, तो ये जो अर्चिव फाइल क्रिएट हुई है वो आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें क्रिएट हुई है। तो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है /root, तो ये रूट में ये फाइल क्रिएट हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो चुकी है -solutions-19-12-2015.tar। यदि ये जो स्पेसिफिक फाइल है जो अर्चिव फाइल है इसको मुझे किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में क्रिएट करना है, तो उसके लिए कैसे टार कमांड लिखेंगे देख लीजिए। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि /etc के अंदर /test ये डायरेक्टरी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो ये जो अर्चिव फाइल मैंने क्रिएट किया है उस अर्चिव फाइल को मैं /etc/test के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ या सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए टार कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा टार -cvf उसके बाद /etc/test और जो भी नेम आप उस अर्चिव फाइल को असाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं देता हूँ -solutions-19-2015.tar और उसके बाद उस सब डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको लिखना है। तो देखिए अब ये जो अर्चिव फाइल क्रिएट होगा ये अर्चिव फाइल कहां पर से होगा /etc के अंदर /test। तो इसको चेक कर लीजिए /etc/test। तो देखिए /etc/test के अंदर ये टार फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इस प्रकार आप किसी अर्चिव फाइल को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर भी आप सेव कर सकते हैं।
अब हम मूव करते हैं cd/etc/mysolutions और उसके अंदर माय डेटा। अब इस फाइल का इस लाइब्रेरी का कंटेंट चेक लेते हैं। तो ये इस लाइब्रेरी का कंटेंट, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम चेक करते हैं कि किसी सब डायरेक्टरी का सारा कंटेंट हमें किसी आर्काइव फाइल में ऐड नहीं करना है, कुछ सिलेक्टेड कंटेंट ही ऐड करना है। जैसे इस सब डायरेक्टरी में बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी फाइल्स हैं, तो मुझे उस आर्काइव फाइल में सभी कंटेंट ऐड ना करके कुछ सिलेक्टेड फाइल्स ही मुझे ऐड करनी है। तो उसके लिए टार कमांड किस प्रकार यूज करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना टार, फिर हाइफन cvf ऑप्शन, और उसके बाद आप उस डायरेक्टरी को, उस आर्काइव फाइल को जो भी नेम असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है। जैसे मैं देता हूं उसको माय डेटा .tar, और उसके बाद जो भी फाइल आप ऐड करना चाहते हैं इस आर्काइव में, वन बाय वन उन फाइल के नेम को आपको लिखना है। तो जैसे मैं देता हूं ftest.txt, month.txt और my.png फाइल। ये तीन फाइल मैं इस आर्काइव फाइल mydata.tar में ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए ये tar कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर एंटर प्रेस कर दीजिए, तो देखिए तीनों फाइल इसमें ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो ls-l करके देखिए यहाँ पे tar फाइल क्रिएट हो चुकी है। आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें ये tar फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इस tar फाइल का कंटेंट लिस्ट आउट कर लीजिए। तो किसी tar फाइल का कंटेंट अगर आपको लिस्ट आउट करना है तो उसके लिए tar कमांड ये रहेगा tar-tvf, और उसके बाद उस tar फाइल का नेम आपको लिखना है। तो ये जो tar फाइल है इसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट है, ftest.txt, month.txt, my.png फाइल, ये तीन फाइल उस tar फाइल के अंदर एड है। फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारी जो वर्जन वर्किंग डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी का tar फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है /etc/mysolutions/mydata, तो इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की हमें tar फाइल क्रिएट करनी है। तो वो कैसे करते हैं देख लीजिए। इसके लिए tar कमांड इस तरह लिखा जाएगा tar-cvf ऑप्शन, और उसके बाद जो भी नेम आप असाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं देता हूं माई डेटा mypwd.tar, और उसके बाद डॉट आपको लिखना है, यानी उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पूरा पाथ ना लिख, आप क्या लिखना है सिर्फ डॉट लिखना है। अगर आप डॉट यूज करते हैं tar कमांड में तो आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसकी ये tar फाइल क्रिएट करेगा। तो एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए तो जो भी इस फाइल में, जो भी इस डायरेक्ट सब डायरेक्टरी में जो भी कंटेंट था वो सारा कंटेंट mypwd.tar फाइल में ऐड हो चुका है। तो ls-l करके देखिए कोई, तो यहाँ पे देखिए tar फाइल क्रिएट हो चुकी है mypwd.tar। अब इस tar फाइल का कंटेंट चेक कर लीजिए, तो उसके लिए tar-tvf, और उसके बाद उस tar फाइल का नेम आपको लिखना है। तो देखिए इस tar फाइल में ये सभी कंटेंट एडेड हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि tar फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के tar फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, किसी tar फाइल को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर कैसे सेव करते हैं, और किसी सब डायरेक्टरी के सिलेक्टेड कंटेंट की आर्काइव फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।